देखो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही महापुरुष हुए, कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में, कोई राम जी की भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है, तो योगी जी के लिए मौका है। तो इस पर आप लोग विचार करिए, मंत्रिमंडल के जो लोग हैं राम भक्त हैं, मंत्रिमंडल में हैं, मंत्री हैं, और जो भी MLA MP हैं, जो पावर में हैं या गाँव के अध्यक्ष हैं, सब लोग इस पर विचार करिए। ऐसी योजना पर हमको तो लग रहा है किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। अच्छे काम में ऐतराज नहीं करते हैं हमारे मुसलमान भाई भी। आप ये देखो कि हमने एक अभियान चलाया था कि गौ माता की जान बचाई जाए, गौ हत्या देश में बंद किया जाए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, घोषित किया जाए। तो बहुत सारी दरख्वास्तें, कई लाख दरख्वास्त प्रेमियों ने लिख करके भेजा था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब उनकी क्या मजबूरी रही है ये तो वो जाने, हो सकता है समय का इंतजार कर रहे हों। तो वो नहीं हो पाया। उस समय पर लोगों ने कहा कि ये मुस्लिम भाई विरोध करेंगे। हमने कहा तो एक से हम खुद पूछते हैं। तो हमने मुसलमान भाई से पूछा कि भाई ये बताओ कि कहीं गौ के गोबर से लिपाई कर दी जाए तो तुम नमाज वहाँ अदा नहीं करोगे? अरे बोले क्यों नहीं करेंगे। हमने कहा कि गाय का घी अगर आपको खाने के लिए दिया जाए तो आप नहीं खाओगे? बोला खाएंगे। तो गाय के दूध को पीने के लिए दिया जाए, नहीं पियोगे? कहा पियेंगे क्यों नहीं। तो हमने कहा ये बताओ कि जिसका दूध पियो और माता कहो उसके मांस को खाओ तो क्या जायज़ है? बोले बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये तो नाजायज़ है। तो हमने कहा तो अब ये बताओ, गाय को अगर राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए और गौ हत्या देश में बंद हो जाए तो आपको कोई ऐतराज होगा? बोले बिल्कुल ऐतराज नहीं होगा। हमने कहा आपके कौम वालों को ऐतराज होगा? बोले उनको भी नहीं होगा। हमने कहा कुछ लोगों को होगा? बोले जो किसी को नहीं मानते हैं, न राम को मानते हैं, न खुदा को मानते हैं, न भगवान को मानते हैं, न कोई पूजा करते हैं, न इबादत करते हैं, जो कुछ मानते ही नहीं हैं उनको भले ऐतराज हो। जायज चीज़ होती है वो सब पसंद करते हैं। तो जो हम प्लान बता रहे हैं उसको सब पसंद करेंगे।